टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद हरीश मीणा के स्वागत एवं आभार समारोह में सचिन पायलट ने शिरकत की है। टोंक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में टोंक जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा, सवाई माधोपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर, विधायक रामकेश मीणा और इंदिरा मीणा उपस्थित रहे। पूर्व विधायक दानिश अबरार, मालपुरा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे घासीलाल चौधरी, पीसीसी उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व विधायक कमल बैरवा, पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गाता, कांग्रेस नेता सऊद सईदी और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बात कही है, आइए आपको भी सुनाते हैं। किस तरह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किस तरह चलने वाली है, क्योंकि एडीपी और नीतीश कुमार का रोल जो है, आज जो मुद्दा सामने आया है, मेरे ख्याल जनता दल यूनाइटेड ने मामले को उठाया है कि अग्निवीर जो स्कीम है उसको पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कोई दल, कोई नेता, कोई पार्टी अगर अग्निवीर का विरोध करती है तो देशहित में कर रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्ट कमिटमेंट किया था, अगर हम सरकार में आते हैं तो हम अग्निवीर को रद्द करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। देश में जो लोग फौज में भर्ती होना चाहते हैं उनको वंचित रखा जाए, ये गलत है। और बिना चर्चा के, बिना संवाद किए, बिना विचार विमर्श करिए, बिना एक्सपर्ट्स की राय लिए आपने स्कीम को थोप दिया और सारी पुरानी भर्ती बंद कर दी, वो मैं समझता हूँ गलत है। तो ये जो आज मुद्दा उठाया है जनता दल यूनाइटेड ने, ये मैं समझता हूँ एक सही मुद्दा है और इसका मुझे लगता है कि एक सकारात्मक परिणाम आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम अग्निवीर के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। मुझे लगता है इसको तुरंत प्रभाव से बंद कर पुरानी भर्ती को चालू करना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे की बात कही है, कई सीटों पे हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं और वहाँ पर और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम लोग कठिन सीटें थी, वहाँ पर भी हम लोग जीते हैं। जैसे बाड़मेर की सीट है, बॉर्डर की सीट है, और हमारे ये जो गंगानगर की सीट है, और ऐसे अधिकांश सीटों पर जहाँ पर हम पहले नहीं जीतते थे, इस बार हम जीत कर आए हैं। जहाँ हम नहीं जीते हैं वहाँ पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग एक सीट जीते हैं गुजरात के अंदर, बनासकांठा, वो भी एक शुरुआत है, पहले वहाँ हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन जहाँ जहाँ हम सीट नहीं जीते हैं वहाँ पर हम और मेहनत करेंगे, और हार का अंतर भी कम हुआ है, लेकिन अभी आने वाले समय में हम संगठन को और मजबूत करेंगे, आगे जीतेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ, हमने तो ये कहा था, अपने कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, और देश के अधिकांश लोग, अधिकांश दल, अधिकांश जनता चाहती है कि अग्निवीर को समाप्त किया जाए। अब जिस भी दल ने इस बात को उठाया है, मुझे लगता है सोच समझ के उठाया होगा, और हमारा स्टैंड यही है कि जो अग्निवीर के विरोध में रहेगा उसका हम स्वागत करते हैं। पुरानी भर्ती चालू करनी पड़ेगी, ये हमारा स्टैंड रहा और कांग्रेस पार्टी स्टैंड को उठाएगी सदन के अंदर, सदन के बाहर। पायलट साहब, 8 सीटों पर जहां कांग्रेस ने जीत हासिल की, सभी जगह आपने प्रचार किया है, उस सूरत में अब देश में जो है घूम के आए हैं, क्या जनता ने संकेत दिया राजस्थान में, खासतौर से 28 की में क्या होने वाला है? भाई मैं तो देश में जहाँ जहाँ मुझे बुलाया, जिन राज्यों में बुलाया, जिस कैंडिडेट ने बुलाया, मैं उसके लिए प्रचार करने गया हूँ, और मैं 12-15 स्टेट्स में मैं गया हूँ। हर जगह अच्छा समर्थन मिला कांग्रेस कैंडिडेट्स को, और राजस्थान के अंदर भी हम लोग मजबूती से आगे बढ़े हैं, इसका आने वाले समय में संगठन को लाभ मिलेगा। और जो अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना, लेकिन केंद्र में क्या समीकरण बन रहे हैं अभी हमें वेट एंड वॉच करके देखना चाहिए। संजना जाटव जी, हमारी छोटी बहन को टिकट हमें लेकर दिया था, बहुत कम वोट से हारी थी, और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ी है भरतपुर से, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जैसे जनता ने उनको समर्थन किया है, तो सत्ताधारी दल का धन बल और संसाधन सब धरे रह गए, और एक गरीब घर की एक नौजवान लड़की को, महिला को पार्टी ने टिकट दिया और जनता ने जिताया। और जैसा आपने कहा, वो 26 साल की हैं, और ये मुझे लगता है कि 26 साल कुछ खास उम्र है। हाँ, तो मैं भी 26 साल में एमपी बन गया था, और मुझे किसी ने कहा कि भाई ये आपसे शायद उम्र में कम है, तो मैंने कहा जो रिकॉर्ड हैं वो बनते टूटने के लिए हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के रिकॉर्ड टूटे और एक दलित परिवार की एक सज्जन महिला को लोगों ने जिताकर संसद में भेजा है। मैंने कहा भाई मुझे खुशी है, हरीश मीणा जी को जनता ने जिता के भेजा है, अच्छे बहुमत से जिताया है, मैं जनता का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मेरे क्योंकि मैं यहाँ से विधायक हूँ, मेरे आग्रह पर, मेरे
वोट की अपील पर लोगों ने मोहर लगाई है और अच्छे बहुमत से जिताकर भेजा है। गहलोत चुनाव नहीं जीत पाए सीट बदल कर, वो कई जगह हम नहीं जीते हैं लेकिन और मेहनत करेंगे अगली बार। पिछली बार भी वो नहीं जीत पाए थे, इस बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार और मेहनत करेंगे और कहीं से जीत के आएंगे। थैंक यू सर।